नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में जिन लोगों की लेबर कॉपी बनी हुई है, यानी कि BOCW डिपार्टमेंट में जो वर्कर रजिस्टर्ड हैं, तो COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस के तहत वित्तीय सहायता मिलती है जो 1000 रुपये, उस राशि को हम कैसे चेक करें, यानी कि आपका अपना स्टेटस कैसे चेक करें कि आपको राशि मिली है या नहीं मिली है, मिली है तो किस योजना के द्वारा मिली है। क्योंकि जो डिपार्टमेंट लेबर में रजिस्टर्ड हैं या MMPISY यानी कि मुख्यमंत्री समृद्धि में भी रजिस्टर्ड हैं, तो शायद उनको एक ही योजना में पैसे मिलेंगे। इसकी जानकारी हम इस वीडियो में लेते हैं कि उसका स्टेटस हम कैसे चेक करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल संजय टेक अपडेट्स। तो शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। सबसे पहले हम हरियाणा डिपार्टमेंट की जो लेबर डिपार्टमेंट का वेबसाइट उसको ओपन कर लेंगे, जो डिपार्टमेंट है hrylabor.gov.in। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस लिंक को ओपन करने के बाद देखिए इस तरह से हमारे सामने आएगी। यहाँ पर देखिए ये लाइन चलती आ रही है, BOCW DBT स्टेटस ड्यूरिंग COVID-19 लॉकडाउन। तो आप इस पर लाइन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से सपोर्टेड लिस्ट के नाम से यानी कि BOCW COVID-19 DBT स्टेटस लिखा आएगा। यहाँ पर आपको सर्च बाय आधार कार्ड नंबर डालना है। यहाँ पर आप वही आधार कार्ड नंबर डालेंगे जो आपका लेबर कॉपी में रजिस्टर्ड हो। यहाँ पर अगर आप लेबर कॉपी में रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड नहीं है, वो आधार कार्ड डालेंगे तो उसका यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा लिखा हुआ। मैं आपको यहाँ पर डालकर भी दिखा देता हूँ। पहले जो लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड नहीं है, वो आधार कार्ड यहाँ पर मैं आपको डालकर दिखाता हूँ। मैं MMPSY वाला आधार कार्ड यहाँ पर डालकर दिखाऊंगा जो MMPSY में रजिस्टर्ड है। पहले मैं उसको दिखा देता हूँ, फिर आपको दोबारा दिखाऊंगा जो लेबर कॉपी में रजिस्टर्ड है वो आधार कार्ड दिखाऊंगा। मैं डालता हूँ यहाँ पर MMPS वाला आधार कार्ड। और ये देखिए मैं सर्च पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड आ जाता है, यानी कि ये आधार कार्ड लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड नहीं है। तो मैं अब यहाँ पर मैं बहुत सारे आधार कार्ड दिखा सकता हूँ आपको डालकर, लेकिन उसमें टाइम ही वेस्ट है, कोई फायदा नहीं है। मैं सीधा आपको वो आधार कार्ड यहाँ पर रजिस्टर्ड सर्च करके दिखाता हूँ जो लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ जो लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है। और ये आधार कार्ड नंबर डाल दिया है, मैं सर्च पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए इस तरह से बेनिफिशियरी के स्टेटस आ जाएगा। यहाँ पर नाम आएगा, मैं इसको हाइड करूंगा क्योंकि मैं डिटेल शो नहीं कर सकता पब्लिकली। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नाम आ जाएगा, यूजर नेम आईडी आएगी, उनका आधार कार्ड, मेल फीमेल आएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर आएगा, वर्कर सपोज नेम आएगा, फिर वर्कर सपोज आधार कार्ड नंबर आएगा, इन सपोज रजिस्टर्ड आपका इनका पति इसमें पत्नी रजिस्टर्ड है नहीं, नो लिखा है, डीबीटी पेमेंट टू बी डन नो, यानी कि लेबर कॉपी के थ्रू इसकी पेमेंट नहीं की गई है, 30 मार्च डीबीटी पेमेंट सेंट नॉट इंक्लूडेड इन डीबीटी लिस्ट, यानी कि डीबीटी लिस्ट में ये नहीं है, इंक्लूड नहीं है। और ये देखिए यहाँ पर लिखा है 30 मार्च डीबीटी रिमार्क डाला उन्होंने, पेमेंट डन बाई MMPSY, यानी कि जो ये लेबर कॉपी में रजिस्टर्ड है कैंडिडेट, तो उनको लेबर कॉपी के थ्रू पेमेंट नहीं दी गई है, उनकी पेमेंट MMPSY के थ्रू इनको मिली है जो डन हो चुकी है 30 मार्च को। ये सॉफ्टवेयर के हिसाब से बता रहा है, ये मेरे को कंफर्म नहीं है कि इस कस्टमर को मिली होगी या नहीं मिली होगी, लेकिन यहाँ रिमार्क डाला हुआ है कि इनको MMPS के द्वारा पेमेंट हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं दूसरा आधार कार्ड नंबर आपको डालकर दिखाता हूँ उसमें क्या स्टेटस आता है। अब मैंने यहाँ पर दूसरा आधार कार्ड नंबर डाल दिया है, देखिए पीछे लास्ट में है इसमें 109, और यहाँ पर ये लेडीज का है, बेनिफिशियरी स्टेटस नाम आ गया है, बेनिफिशियरी आईडी, बेनिफिशियरी आधार नंबर फीमेल आ गया लिखा हुआ, फिर इनका मोबाइल नंबर है, वर्कर सपोज नेम नहीं है, आधार कार्ड सपोज आधार कार्ड भी नहीं है, यहाँ पर इन सपोज रजिस्टर्ड नहीं है, डीबीटी पेमेंट टू बी डन यानी कि इनकी जो पेमेंट है वो यस लिखा हुआ, यानी कि इनकी पेमेंट यस होगी, लेकिन अभी इनकी पेमेंट इनको डाली नहीं गई है, लिखा है 30 मार्च डीबीटी पेमेंट सेंट, NPCI रिस्पॉन्स पेंडिंग, यानी कि NPCI के तहत इनका रिस्पॉन्स पेंडिंग है अभी, यानी कि पेमेंट गई नहीं है, लेकिन पेमेंट डन हो जाएगी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप जो लेबर कॉपी यानी कि लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हैं जो मजदूर,
वो अपना स्टेटस यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपकी पेमेंट डल चुकी है या नहीं डल चुकी है, और डल चुकी है तो किस योजना में डली है, या तो MMPSS के द्वारा डलेगी या फिर लेबर के थ्रू डलेगी, लेबर डिपार्टमेंट के थ्रू डलेगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की जानकारी लेने के लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।